स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 कॉमन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर में ए की एक्सरसाइज 3 उसका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियो बन गई, वो अपलोड भी होगी। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसके बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दिया है वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम। वो कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 0.064 मीटर क्यूब, आप इसकी लेंथ का साइज में बता दीजिए। तो बहुत आसान है, लेकिन हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्यूब का वॉल्यूम आता है। अब हमें जो दिया हुआ है गिवन चीज क्या है, इसको पहले लिखते रहना कि वॉल्यूम दिया हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 0.064 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें गिवन है। अब उसकी डिमांड क्या है कि लेंथ ऑफ क्यूब ये फाइनल इसको एल से हमने सर ये वॉल्यूम है, इसकी लेंथ निकालने के लिए इतना क्या देना पड़ेगा, क्यूब रूट देना पड़ेगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्यूब क्या आएगा, 0.064 का होल का पूरे का क्यूब होता है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 0.064 है, अगर इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे, इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे नीचे बना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3 जीरो था। यहां तक ले लो क्या आया सर, ये 0.064 है, तो जीरो बताने की जरूरत नहीं है, 64 अपॉन यहां तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्यूब रूट है 64 का आपको पता है। अब इसके जो दो मेथड हैं इसको करने के, आप इसके भी फैक्टर्स बना लें, इसके भी फैक्टर्स बना लें जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं उसी तरह, लेकिन वो जरा एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है और जो सिंपल है वो बिल्कुल करेक्ट है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, 4 4 4 16 64 64। देखें ना, 64 को लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये लिखा 64 है, ब्रेक करके लिखूंगा, 4 4 16 16 4 16 64, नीचे 1000 है, इसको ब्रेक 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 10 था 100 100 10 था 1000, ये 1000 लिखा हुआ है, इस तरह ब्रेक करो। अब देखिए और कैसे करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको लिखते हैं 3 टाइम्स है ना 4, इसको लिखते हैं 4 का क्यूब, 10 10 और 10, 3 टाइम्स है 10। देखिए यहाँ क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट इन क्यूब्स को कैंसिल कर देगा, क्या बचा सर, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बचा 10। आप देख सकते हैं ये है 4 अपॉन 10। देखिए यहां एक जीरो है, उसके बाद ये वन है, तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक डिजिट 4 है, 4 के बाद पॉइंट, मतलब यहां 4 से पहले पॉइंट क्या आता है, 0.2। क्लियर हुआ, ये हमने निकाला क्या असल में, ये हमने 0.064 का क्यूब रूट निकाला, आया 0.4। वर्ड प्रॉब्लम था, स्टेटमेंट थी, वो आंसर कैसे देंगे, सो देयरफॉर कितने सो मिलेगा, लेंथ ऑफ क्या है सर, 0.4 मीटर।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसको देख लें कितना और चले जी। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।